मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देख के गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के ठोकती है। सूर्यवन से हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, सूर्यवंशी प्रमोशन द बिग रियलिटी शो बिग बॉस 15। जी हाँ दोस्तों, बोले तो बॉलीवुड के गलियारों से एक खबर सामने निकल के आ रही है कि बिग बॉस 15 में बोले तो प्रमोशन करेंगे सूर्यवंशी टीम। लेकिन दोस्तों, कौन कौन होंगे वहाँ पे, मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ। पहला रोहित शेट्टी, सेकेंड कैटरीना मैम। जी हाँ दोस्तों, ये दो जन जाएंगे सलमान खान के स्टेज पे और बोले तो धमाके तरीके से सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी का प्रमोट होएगा। तो दोस्तों, अक्षय कुमार तो शायद नहीं होएंगे क्योंकि खबर ये आ रही है कि ओनली कैटरीना कैफ और सूर्यवंशी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है यार, मतलब इन्हें कोई सा भी मौका सूर्यवंशी टीम ना छोड़ना नहीं चाहती है प्रमोशन के लेके, मतलब कि अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ना कोई सा भी मौका, चाहे वो देख अपने देख लिया यही हफ्ते में क्रिकेट से लेके बोले तो केबीसी तक, केबीसी लेके बोले तो बिग बॉस 15 तक। सोचो दोस्तों, अभी भी 1 वीक्स बाकी है मूवी को रिलीज को लेके दोस्तों, लेकिन दोस्तों सूर्यवंशी टीम लगी हुई है प्रमोशन में, लगी हुई है प्रमोशन में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा वीकेंड के वार पे होएगा, बोले तो ये यही वीक्स में होएगा या नेक्स्ट वीक्स में होएगा, ये नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। लेकिन खबर पक्की है दोस्तों, 100% पक्की है कि सूर्यवंशी टीम बिग बॉस 15 में अपनी मूवी को प्रमोट करेंगे। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात मालूम क्या हो जाता, अगर अक्षय सर वहाँ पे चले जाते ना यार, फिर तो यार तबाही मचता, तबाही। फिर ना वो जो वीकेंड का वार जो कलश टीवी पे आती ना, टीआरपी का बाप कहलाती, बोले तो जब से बिग बॉस का इतिहास का, जहाँ जो सलमान खान बोलते हैं 200 साल जो मस्ती में, तो वही 200 साल का इतिहास का सबसे ज़्यादा टीआरपी साबित होती वो बिग बॉस 15 का, अगर अक्षय सर वहाँ पे मौजूद होते तो। दोस्तों खैर, रोहित शेट्टी, कैटरीना मैम और अक्षय कुमार, सॉरी सलमान खान जब स्टेज पे होंगे ना, सूर्यवंशी को प्रमोट करते दिखेंगे ना, झनझनाहट सा लगेगा देखने में, और भी मजा आने वाला वीकेंड का बार। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि यही हफ्ते में होता है या नेक्स्ट वीक में। तो बस भाई, कितना आप एक्साइटेड हो बोले तो वीकेंड का वार वो भी सूर्यवंशी के साथ देखने के लिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।